आईपीएल 2024 से तीन टीमों की हुई विदाई, 60 टीमों के बीच जारी है प्लेऑफ की लड़ाई। प्लेऑफ के सपने संजो रही आरसीबी को लगा बहुत बड़ा झटका। दिल्ली में दंगल, मालिक से झगड़े के बाद क्या केएल राहुल छोड़ेंगे लखनऊ की कप्तानी। आईपीएल 2024 के बीच आरसीबी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। प्लेऑफ के सपने संजो रही टीम के लिए बुरी खबर आई है, पूरी बात क्या है बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे आईपीएल 2024 से गुजरात टाइटंस की दुर्भाग्यपूर्ण विदाई की। लेकिन पहले बात दिल्ली के दंगल की करते हैं। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम इस सीजन आखिरी बार आईपीएल की मेजबानी करेगा। दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट से होगी। बता दें कि मैच से पहले एलएसजी के कप्तान केएल राहुल सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद जिस तरह से लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका ने कप्तान केएल राहुल को डांट लगाई थी और जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि केएल राहुल टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन मैच से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ के सहायक कोच लॉन्स क्लूजलर ने कहा कि इस विषय में टीम में किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है। दो क्रिकेट प्रेमी यानी गोयनका और राहुल के बीच हुई बातचीत में कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमें ठोस बातचीत पसंद है, इसी से टीम का प्रदर्शन बेहतर होता है। केएल राहुल अगर कप्तानी छोड़ते हैं या कप्तानी करते भी हैं तो वो बल्ले से जवाब देकर सत्र का शानदार अंत करेंगे। जबकि दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत एक मैच का प्रतिबंध झेलने के बाद इस मैच से दोबारा वापसी कर रहे हैं। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए आज हर हाल में जीत जरूरी है। दिल्ली 12 अंकों के साथ छठे और लखनऊ 12 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है। हालांकि लखनऊ के दो मैच अभी शेष हैं और दिल्ली के पास आज आखिरी मौका है। हेड टू हेड आंकड़े की बात करें तो आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक सिर्फ 4 मैच खेले गए हैं जिसमें लखनऊ की टीम ने 3 बार बाजी मारी है जबकि दिल्ली को केवल एक मैच में जीत मिली है। आज के मैच में दिल्ली के 5 वीवीआईपी प्लेयर की बात करें तो पहला नाम जैक फ्रेजर मैगर का है जिन्होंने इस सीजन शानदार बल्लेबाजी की है। वहीं अगला नाम कप्तान ऋषभ पंत का है। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स बेहतरीन फॉर्म में नजर आए, शानदार फिनिशिंग टच देते हैं टीम को। वहीं अक्षर पटेल पर भी निगाहें होगी, पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी, और ईशांत शर्मा टीम के अनुभवी गेंदबाज। जबकि लखनऊ के 5 वीवीआईपी हैं कप्तान केएल राहुल, उन पर इसलिए भी निगाहें होगी क्योंकि टीम मैनेजमेंट के साथ उनकी बहुत अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। वहीं मार्कस स्टोनिस, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी और रवि विश्नोई पर भी नजर होगी। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और केकेआर का मुकाबला बिना टॉस हुए बारिश के कारण रद्द हो गया। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए गुजरात को इस मैच से 2 अंक हासिल करने बेहद जरूरी थे लेकिन मैच रद्द होने के कारण दोनों टीमों को 1-1 अंक ही मिल पाया। इस कारण गुजरात की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई। इससे पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की टीम बाहर हो गई थी। बारिश की वजह से मैच रद्द होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई। किसी ने लिखा जर्सी का पैसा बर्बाद हो गया तो किसी ने लिखा कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम होने से क्या होता है बॉस, जब मैच ही नहीं हो पाया। और अब आपको आरसीबी की टेंशन के बारे में बताते हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 18 मई को आरसीबी का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये एक तरह से अग्नि परीक्षा होने वाला है लेकिन उससे पहले टीम को एक बड़ा झटका लगा है। शानदार फॉर्म में चल रहे आईपीएल 2024 के शतकवीर विल जैक्स टीम का साथ छोड़कर आगामी टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिए अपने देश इंग्लैंड लौट चुके हैं जो आरसीबी के लिए एक बड़ा संकट है। विल जैक्स ने इस सीजन आरसीबी के लिए 8 मैचों में 175 के स्ट्राइक रेट से 230 रन बनाए हैं जिसमें गुजरात के खिलाफ यादगार शतक भी शामिल है। हालांकि टीम के लिए राहत की बात है कि विल जैक्स की भरपाई करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल की टीम में फिर से वापसी हो गई है लेकिन उनका फॉर्म आरसीबी के लिए चिंता का सबब है। क्या ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी की नैया को पार लगा पाएंगे ये तो 18 मई को ही पता चलेगा लेकिन आज ये पता चल जाएगा कि दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2024 से बाहर होगी या फिर दूसरी टीमों के सहारे उसकी उम्मीदें कायम रहने वाली हैं। अगर आपने हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहां आपको खेल से जुड़ी हर एक खबर मिलेगी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।